लास्ट टाइम बेटा हमने ये यहाँ तक पढ़ा था, ये निशान लगा हुआ राइट। वो अपनी छुट्टियों के बारे में बता रहा था कि बाज़ औक़ात हमें वो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हो जाती थी। फिर वो लास्ट जो है उसने स्केटिंग के बारे में बताया था कि जब बर्फबारी होती ना कंटिन्यूस और बहुत सख्त वो जो स्नो है वो हो जाती, तो हमें फिर स्केटिंग के लिए एक पूरे दिन की छुट्टी मिल जाती राइट। यहाँ तक स्केटिंग हॉलीडे, दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स। ये बड़े ही आला किस्म के ब्रेक्स यानी तफरी होती थी, ये छुट्टियाँ होती थी इन रूटीन, वो जो रूटीन चलती थी हमारा जो मामूल होता था उसके अंदर ये बड़े ही ब्लेस्ड रहमत वाले पुर रहमत ये ब्रेक्स या तफरी या छुट्टियाँ होती थी। बट नॉट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन नहीं कंफर्टेबल। अच्छा इसे बेटा देखें, ये कंपेयर हम इसको पढ़ते हैं ना जब वैसे वर्ड आता है, तो आपको याद है जब आपने प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था तो ए का प्रोनाउंसिएशन जो है वो फर्स्ट वाला क्या था, वो जिसमें शॉर्ट साउंड होती है। ये दोनों ही अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो यहाँ पे जो दोनों ए हैं ये दोनों ही इनकी शॉर्ट जो है वो साउंड होगी जिसे श्वा साउंड बोलते हैं ठीक है। तो कंपेयर या कंपेरेबल नहीं, कम्फर्बल, ये देखें शॉर्ट कम्फर्बल, इसको लंबा नहीं करना ना, इस ए को लंबा करना है और ना ही मेरा बच्चे इस ए को लंबा करना ठीक है। वही कम आगे शॉर्ट साउंड क्या थी, अ और र अ बल, देखिएगा जरा कम्फर्बल ठीक होगी बात, शॉर्ट साउंड होगी, ये कहने का मतलब है दोनों का कम्फर्बल टू द हॉलीडेज। उन छुट्टियों से उनका मुकाबला या मुआवजा नहीं किया जा सकता था। वी गॉट जो कि हमें होती थी कब, एट क्रिसमस एंड ईस्टर। ईस्टर और जो क्रिसमस है इसके मौके पे जो हमें छुट्टियां होती थी ना उनसे ये छोटी छोटी और इक्का दुक्का कभी कभार होने वाली जो छुट्टियां हैं ना वो उनके साथ उनका मुवाजना नहीं था। और ये क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियां पता है कितनी देर की होती थी, 3 वीक्स ईच। हर एक जो है ईस्टर के मौके पे भी और क्रिसमस के मौके भी 3 3 हफ्ते की छुट्टियां होती थी। इन माई अर्ली स्कूल डेज, मेरे स्कूल के इब्तदाई दिनों में, लेटर ट्रेजिकली बाद में बड़े ही अफसोसनाक तरीके से रिड्यूस्ड, उनको कम कर दिया गया टू अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते, 15 दिन को कहते हैं। तो 2 हफ्तों तक इसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया यानी कम कर दिया गया। एंड देन और फिर इफ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरी याददाश्त जो है वो मुझे गुमराह नहीं कर रही, मिसलीड नहीं कर रही, तो क्या हुआ टू अ मेयर 10 डेज, ये फिर बाद में सिर्फ 10 दिनों तक रिड्यूस होके रह गई। बट लेकिन द हॉलीडेज छुट्टियां जो थी, ये देखें जो THE है इसको उसने क्या किया, विद इन कॉमास लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि जो छुट्टियां थी जिसको छुट्टियां कहते हैं ना वो पता कौन सी थी, वह द समर हॉलीडेज, वो गर्मियों की छुट्टियां थी असल में। सही तो छुट्टियां वो थी, बाकी तो छोटी छोटी छुट्टियां थी, छुट्टियों की बहनें थी बिल्कुल छोटी छोटी, लेकिन सही जो छुट्टियां थी वो हॉलीडेज जो थी वो असल में समर हॉलीडेज थी, जो कि 2 मंथ की 2 महीने की छुट्टियां होती थी। आपको याद है करेक्शन के जो हम रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये बात की थी कि ये वोकेशन नहीं होता, वोकेशंस नहीं होता, वोकेशन होता है और ये प्लूरल नाउन है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने ये पढ़ी थी कि ये सेकंड रूल था हमारा कि देर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन यूज ठीक है। तो ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हैं प्लूरल, ये वोकेशन जो है ये प्लूरल है मेरा बेटा। वी गॉट इन द समर टाइम, जो कि हम गर्मियों या मौसम गर्मा में हासिल करते थे या हमें होती थी, कहते हैं सही छुट्टियां वो समर वेकेशन थी जो कि 2 माह की थी। एंड इट वॉज दीज मंथ्स, और ये महीने थे वो टूवर्ड्स विच जिनकी तरफ द होल ईयर मूव, पूरा साल जो है वो इनकी तरफ हरकत करता था, यानी हम वो 2 माह की जो छुट्टियां हैं उनको ही सारा साल जो है वो वेट करते रहते थे और यही लगता था कि ये पूरा साल जो है उसी की तरफ जा रहा है। तो वो सेंटर होता था हमारे उन दिनों के, भाई वो छुट्टियां आनी हैं।
तो फिर हमने मौज करनी है, ऐश करनी है। 2 months, 2 महीने seemed a long, long time in those days. उन दिनों में 2 माह बहुत बहुत लंबा अरसा लगता था। Indeed, I used to have the feeling, और हकीकतन मुझे ये फीलिंग हुआ करती थी, वही वाली बात जो पीछे हमने बात की थी, यूज टू, जब भी आए तो हमने समझ लेना है कि यहाँ पे किसी किसी हैबिट का जो है वो जिक्र है। तो कहता है मुझे ये फीलिंग हुआ करती थी, ये मुझे एहसास हुआ करता था, दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, के तमाम अमली मकासद के लिए आई कुड लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू ये इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौक से इंतज़ार करना, टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फिलिसिटी, मैं एक दायमी खुशी के अरसे का बड़े शौक से इंतज़ार कर सकता था। फिलिसिटी एक दायमी बड़ा फैसिलिटी, वो सहूलत होती है, वो स्पेलिंग भी उसके एफ ए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एफ ई है, तो ये फिलिसिटी, फिलिसिटी कहते हैं खुशी को। आई वुड वॉक होम, मैं घर आता, अक्रॉस द मेडोज, वो चरागाहें जो हैं उनमें से गुजर के, इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई की धूप में, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, और मैंने अपना समर स्कूल के जो यूनिफॉर्म है वो पहना होता था, वो क्या था, ग्रे क्रिकेट शर्ट होती थी, फिर ग्रे शॉर्ट्स होते थे, निकर होती थी यानी, एंड रेड वेटसन वेटसन ब्लेज़र, और ब्लेज़र जो है वो इस कंपनी का सुरख रंग का वेटसन कंपनी का ब्लेज़र होता था, जिसे हम ब्लेज़र, ये ऊपर कोट जो होता है, एंड सेवर माई हैप्पीनेस, और मैं अपनी खुशी को एंजॉय करता था। सेवर का मतलब होता है एंजॉय करना, किसी चीज़ को फील करना, अंदर से फील करना, एक तो होता है ना वैसे जैसे चस्का लेना होता है, वैसे नहीं, सही तरह से फील करना, विद कॉन्शियस रेलिश, एक कॉन्शियस और जानबूझ के जो लुत्फ है उससे मैं उस चीज़ को, अपनी उस खुशी को मैं उससे एंजॉय करता था। जैसे हम वो कहते हैं ना कि भाई पंजाबी में चस जैसे नहीं हम कहते, एन्जॉयमेंट, सही, तो ये वो रैलिश है, सही कहते हैं, मैं अपनी उस खुशी को मुझे वो चस आ जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ और बहुत ज़्यादा उससे एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट होती थी। आई कुड हार्डली बिलीव, मुझे मुश्किल ही से मैं यकीन कर सकता था, दैट 3 strenuous स्कूल टर्म्स, के 3 मुशक्कत तलब स्कूल की टर्म्स जो हैं वो मुदत जो है, 3 जो टर्म्स, अब पीछे हमने बात की थी, 3-3, 4-4 माह का वो एक टर्म होता है, तो वो जो टर्म है 3, वो कहता हैड इंडीड रोल्ड अवे, कि वो वाकई ख़त्म हो गई हैं, एंड और द लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर भी जो है ये एक idiom है जिसका मतलब होता है ख्वाहिश करना, तो वो जिसकी ख्वाहिश की गई थी, ड्रीम्ड ऑफ, जिसका ख्वाब देखा गया था या जिसके ख्वाब देखे थे, इट सीम्ड एट टाइम्स, ये बात का ऐसे लगता था, मिथिकल, वो दास्तानवी समर हॉलीडेज और वो दास्तानवी जो छुट्टियां हैं गर्मियों की, वर एट हैंड्स, वो आ गई हैं, अनस्पॉइल्ड एज येट, स्पॉयल कहते हैं ख़राब होना, ज़ाया हो जाना, तो अनस्पॉइल्ड जो अभी ज़ाया ना हुई हो, जो भी खर्च ना हुई हो, तो अभी तक वो खर्च नहीं हुई, बिल्कुल लाइंग इंटैक्ट, बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई थी, एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, और आगे वो लाइंग इंटैक्ट एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, और वो आगे मतलब आने वाले अरसे में उसी तरह से सही सलामत और बहुत पुरजोश अभी वो पड़ी हुई थी, प्रॉमिसिंग उकसाने वाली को कहते हैं। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये इतना अच्छा महसूस होता था कि सच नहीं था लगता। आपको याद है ना ये TOO और ये वाले टू, इसका जो यूज़ है वो हम किस तरह से करते हैं, आप अगर हम ये कहना हो कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो हम कहते हैं जी ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ये भी इसी तरह से है बिल्कुल। इट ऑल सीम टू गुड, ये इतनी ज़्यादा सही थी टू बी ट्रू के वो सच नहीं लगती थी। विशेज, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, अंडरलाइन कर लें, विशेज डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, जिंदगी में जो
ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हुई, आई न्यू दैट, मैं इस चीज़ को जानता था। कहते ज़िंदगी में आज तक कभी किसी की ख्वाहिशात नहीं पूरी हैं, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरा सारा जो इब्तदाई बचपन है उसमें क्या था, आई लॉन्ग डेस्परेटली, मैं बहुत ही शिद्दत से क्या करता था, ख्वाहिश करता था, लॉन्ग के साथ फॉर की प्रीपोजिशन लगती है, पीछे भी आपने देखा है, फॉर अ ट्राई साइकिल, मैं एक ट्राई साइकिल, तीन पहियों वाली साइकिल बच्चों वाली जो होती है, उसकी मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, विच माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, जिसको कि मेरे वालदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी वो ख़रीदने की इस्तेआत नहीं रखते थे। एंड लेटर और बाद में द विश, यही ख्वाहिश जो है वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बाईसाइकिल, वो एक दो पहियों वाली साइकिल में चेंज हो गई, एंड देयर टू आई वर परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे भी मुझे मुकम्मल तौर पे मायूसी हुई, वो मेरी ट्राई साइकिल की ख्वाहिश भी मुझे पूरी नहीं हुई मेरी, और बाईसाइकिल वाली भी। क्या हुआ फिर, आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल, मैंने अपनी पहली बाईसाइकिल जो है दो पहियों वाली, ये बड़े बच्चे लोग या आम जो आपने चलती देखी है वो वाली, उसे बाईसाइकिल कहते हैं। तो ये जो साइकिल है वो मैंने ख़रीदी फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, व्हेन आई वाज 21, जब मैं 21 साल का था, विद प्राइज मनी, मैंने प्राइज मनी से ख़रीदी। कौन सी प्राइज मनी, इनाम में जीती थी रकम जो है, कौन सी, आई हैड वन जो कि मैंने जीती थी एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जो मैंने इनाम की रकम जीती थी, तो वहाँ से उस पैसों से, उन पैसों से मैंने फिर अपने लिए बाईसाइकिल ली। हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, हैड आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ था आउटसाइड स्वीट शॉप्स, स्वीट शॉप्स जो हैं मिठाई की जो दुकानें हैं उनसे, उनके बाहर मैं अक्सर जो है वो खड़ा होता था विद एम्प्टी पॉकेट्स, या कितनी दफ़ा मैं खड़ा हुआ, यानी कहने का मतलब यह है कि मैं जो है वो अक्सर मैं उधर खड़ा होता था अपनी खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर, ख्वाहिश करते हुए किसकी, फॉर अ पेनी, कि मेरे पास एक पैसा हो, आर टू या दो, यानी एक दो पैसे हो मेरे पास, तो क्या हो, टू मटीरियलाइज, तो मैं पूरे कर लूँ सम हाउ अपनी ख्वाहिश को, वो जो ख्वाहिश थी स्वीट्स खरीदने की, आर हैंग ऑन द आउटस्कर्ट्स, या मैं कुर्बो जुआर में मंडलाता रहता था, हैंग ऑन मंडलाना, और आउटस्कर्ट्स कहते हैं ये जो किनारे होते हैं उनको, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड, जो क्राउड है उसके कुर्बो जुआर में या उसके किनारों पे मैं मंडलाता रहता था, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, एक आइसक्रीम बेचने वाले के इर्द गिर्द जो हजूम होता है उसके कुर्बो जुआर या उसके किनारों पे मैं मंडलाता रहता था, वंडरिंग, हैरान होते हुए वेदर द आइसक्रीम मैन, के क्या आइसक्रीम वाला जो है वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड, कि क्या वो मौजज़ाती तौर पर वो इंस्पायर हो जाएगा, उसे ऐसे उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाएगी क्या, टू ऑफर मी, कि वो मुझे ऑफर कर दे, वो मुझे पेश कर दे अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर, या वो मुझे कॉर्नेट दे दे या कोई स्लाइडर दे दे, ये कुल्फियों के नाम है, फ्री, बिल्कुल फ्री। दीज थिंग्स नेवर हैपन, ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी वाकया नहीं हुई। आगे देखें, द फ्यू पेंस, चंद एक पैसे, अ वीक पॉकेट मनी, हफ्ते की पॉकेट मनी, जेब भी खर्च जो है वी रिसीव्ड, जो हम रिसीव करते, जो हम हासिल करते थे, वॉज टू बी पुट, वो किस लिए था, डालने के लिए होता था, इन टू अ मनी बॉक्स, मनी बॉक्स में, एंड सेव्ड, और सेव करने के लिए, एंड ड्यूरिंग आर अर्ली चाइल्डहुड, अपने इब्तदाई बचपन में, लाइनल सिल्विया एंड आई, लाइनल सिल्विया और मैं, नेवर हैड एनीथिंग, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती थी टू स्पेंड फॉर आवर सेल्फ, कि हम अपने ऊपर उसको खर्च कर लें, येट फिर भी समर मौसम गर्मा एंड द समर हॉलीडेज, और मौसम गर्मा की छुट्टियाँ, डिड कम, ज़रूर आते थे। ये भी आपने बेटा याद रखनी है, जब पास्ट टेंस में आपने किसी चीज़ पे जोर देना हो तो उसमें हम डिड लगा लेते हैं पहले, राइट, एक तो है ना इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, वो सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब से पहले डिड लगा के, तो जोर देने के लिए कि ज़रूर, ठीक है, समर मौसम गर्मा और मौसम गर्मा की छुट्टियाँ ज़रूर आती थी, राइट। इसी तरह से जब आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में भी करना हो
तो वहाँ पे डज लगाया जा सकता है, राइट। लेकिन दोनों ही सूरतों में आप डिड लगाएं या डज लगाएं तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगी ना बेटा वो फर्स्ट ही आएगी। अच्छा जी, मौसम गर्मा और मौसम गर्मा की छुट्टियाँ ज़रूर आती थी, द स्कूल ये डिड कम, वही बात फिर आ गई कि स्कूल का जो साल है डिड कम टू एन एंड, वो ज़रूर ख़त्म होता था, कम टू एन एंड, इख्तिताम पजीर होना या ख़त्म हो जाना। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ, और एक बच्चा या एक आदमी अपने आप को पता था, यानी स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को कहाँ पाता था, एट लास्ट आखिरकार स्टैंडिंग, खड़े हुए बाय द ट्रंक्स, ट्रंक्स के करीब, ये जो लोहे के होते हैं ना ट्रंक, उनको कह रहे हैं। एंड सूट केसेस, और सूट केसेस को आउटसाइड नंबर सिक्स मिलर फील्ड प्लेस, ये नंबर सिक्स मिलर फील्ड प्लेस के बाहर जहाँ ये रहता था, वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी का इंतज़ार करते हुए, ग्लोरियस व्हीकल, ये बड़ी ही व्हीकल, अच्छा ये व्हीकल नहीं बेटा इसे पढ़ना, व्हीकल, राइट, व्हीकल, और ये आई जो है यहाँ पे साइलेंट है, और ये बड़ी ही आला दर्जे की सवारी होती थी या गाड़ी होती थी, दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली, जो कि जिसने के फैमिली को कन्वे करना होता था, एंड इट्स लगेज, और इसका लगेज सामान, ठीक है, जिसने के फैमिली को लेके जाना होता था, कन्वे करना होता था, लेके जाना होता था, और उसका सामान लेके जाना था कहाँ, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। ये आज बेटा ये फिनिश हो गया, तो कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बेस्ट ऑफ लक।